देखो अब इसको ये क्या हो सकते हैं, कई दिनों तक मतलब बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मतलब 6-6 महीने ये ग्रीष्म निद्रा और आपके शीत निद्रा में चले जाते हैं और काफ़ी समय तक जीवित, अर्थात ये 2 मिनट में एक बार सांस लेते हैं। कितने मिनट में? 2 मिनट। क्योंकि हाँ, ये इसमें वायु कोश होते हैं, ये जैसे ये धड़क रहा है ना, ये वायु कोश होते हैं जिससे ये आवाज़ टर टर निकालने का काम करते हैं, ठीक। अब इसके अगर ये एक फीमेल है, क्या है? फीमेल, जिसमें बहुत सारे क्या हैं, अंडे उपस्थित। देखो इसके हम मस्तिष्क को, ब्रेन को, हार्ट को और इसके अंडों को निकालते हैं, देखिएगा इसमें। क्या खाना ये अपने शरीर में संचित ऊर्जा को क्या करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको किसी भी जीव का ट्रीटमेंट करने से उसके मेडुलरी रेस से, कहाँ से? मेडुलरी रेस से उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक। तो देखो इसमें तो गीला हो गया ना, इसलिए तो फूल गया ना, इसलिए। तो देखो इसमें ये एक फीमेल है जिसमें बहुत सारे बहुत हायर क्वांटिटी में क्या है, बच्चे हैं। तो निकल गया क्या? पीना लगा इसको, 4-5 बोले हैं हम, फूल गया सर इसलिए। लगाएंगे क्या पीना? हाँ तो पानी डाल, पानी डालना जरूरी है क्या? हाँ, पानी क्यों डालते हैं? ये इसकी सेलुलोज की एक परत बनी होगी, अभी आप बोले कि मैं क्या है, रोटी हाँ। तो ठीक है, तो बाहर देगा है सेलुलोज ऊपर की नीचे प्रोटीन की। ये मतलब डबल कोडेड, डबल लेयर का बना होगा, ठीक है। देखो इसमें डबल लेयर का, ये इसके अवस्कर नलिका कहलाती है। क्या? ये एक एग झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? एग झिल्ली कहलाती है। अंडा है सर, इसके अंदर कुछ होगा, इसमें अंडा है, ठीक है। ये अंडा नहीं, इसकी ये रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इसको काट दे फिर भी ये जिंदा है सर, इसी तरह सर कम मरेगा ये, क्या कम मरेगा? मर गया, अपने से निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, बैठ जाओ यार, लाइट चालू कर लीजिए, ठीक है। तो हल्ला नहीं करो, देखो इसमें, समझो इसके बारे में। नहीं ना, चालू करो अभी, ये पूरी एक झिल्ली कहलाती है जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे अंडे भरे होंगे, ठीक है। मतलब अभी तो ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, मतलब अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, है ना, बच्चा है अभी, तो प्रॉपर रूप से क्या, इसमें करोड़ों की तादाद में अंडे होते हैं। क्या होते हैं? करोड़ों की तादाद में, बहुत छोटे होते हैं सर। क्या? बहुत छोटे होते हैं। हाँ ए, शांति से बैठ जाओ सब कोई, और आगे बच्चों के लिए सर ये फूल ही रहती है। हवा भरी थी ये मरने के बाद, मतलब इसका हार्ड अभी देखेंगे, ठीक है। ये कब मरेगा? ये क्या है सर? वाइट ये वो कैसे दिखाओ,
फिर से फूल रहा हूँ। ये धड़ा धड़ा हार्ड है क्या इसका? क्या नहीं इसके वो दो थोड़ी अभी तब भी जिंदा है ये कई घंटों तक, मतलब जब तक इसका हार्ड नहीं, मतलब इसका पूरे अंग के प्रत्यंग काट दिए जाएं और तब भी ये जिंदा है, जब तक इसका हार्ड नहीं निकाल दिया जाए। हार्ड निकाल देंगे तो हाँ ये जिंदा है, नहीं मरे। कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? तो इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, क्या होते हैं? संवेदी अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। क्या इसमें भी 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाएंगी, पूरी विकसित होंगी, ठीक है कि पूरी 12 जोड़ी विकसित होंगी, 12 जोड़ी पूरी विकसित होंगी, ठीक है। सर इसका हार्ट कितने सेकंड तक लगता है? ये एक पूरी परत अलग से निकाली जा सकती है, मतलब ये बाहरी त्वचा बाहरी त्वचा हाँ। निकाल देगा, इनके दर्द नहीं होगा? धड़कता कितने बार ये क्या धड़कता 2 मिनट में एक बार है? ये कितने मिनट में? 2 मिनट में एक बार। पिन कहाँ में दिखाओ? ये जब तक नहीं मरेगा जब तक इसका हार्ड नहीं काट दिया जाए, ठीक है। क्या कब तक नहीं मरेगा? जब तक हार्ड नहीं निकाल दिया जाए, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि बता रहे हैं ये उसका हार्ड धड़क रहा है, देखो ये, ठीक है। रुक जाओ दूर से देखो, उसको निकाल रहे हैं, है ना? ऊपरी अंदर परत देखो, अभी इसका हार्ड निकाल रहे हैं, मतलब जब तक इसका हार्ड नहीं मरेगा तब तक ये जीवित रहेगा, निकालने के बावजूद भी, क्योंकि हार्ड जिंदा है। देखिए ये इसका हार्ड धड़क रहा है, देखिए छोटा सा, अभी निकाल रहे हैं उसको, है ना? और ये जो वाइट वाइट है क्या? बता रहे हैं पहले नहीं, ये बड़ी सावधानी से आप उसको निकालें, ठीक है, कि उसका नफ्स, ये जो धड़क रहा है ना, देखो ऐसे सभी ह्यूमन बींग्स का भी क्या होता है, हार्ट धड़कता है, ठीक है। हाँ सबका ऐसे ही धड़कता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये कूपिकाएँ, जैसे हवा का शुद्धिकरण होता है ना, ये कूपिकाएँ, ये जो कूपिकाएँ जैसे फूल लगे, हाँ ये क्या है इसकी, हाँ ये कूपिकाएँ, ठीक है। कि अब चूँकि हवा क्या होने लगी, उसमें छेद हो गए तो वो रिलीज होने लगी, हवा क्या होने लगी, रिलीज होने लगी, ठीक है, कि रिलीज होने लगी, ठीक। हाँ वही हवा के इसके अंदर क्या होती है, प्योरीफाई हो जाती है, कि प्योरीफाई होती है, ठीक है। देखो बिंदु शारीरिक अंग देखोगे यार क्या नहीं।
ये सामने की जो हंसियाकार संरचना होती है ये हड्डी हाँ हड्डी कितनी पतली है इसमें। पिन लगाओ श्रद्धा इसमें इधर तरफ लगाओ जोर से लगाओ उसको देखो उसका हार्ट कैसे धड़क रहा है ना ऐसे मतलब जब तक उसका हार्ट वो जीवित रहे तब तक ये मतलब आपकी तो ये देखो इसमें ये पूरी कोपिका है जैसे ये सांस लेगा ना तो ये फूलेगी ठीक है ये कोपिका ये कोपिकाएं हैं पूरी क्योंकि अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई तो अंडे नहीं है इसमें नहीं एक भी नहीं देखते हैं अभी इसकी ये हार्ड क्या लीवर है ये लीवर आता है इसमें भी लीवर पाया जाता है हाँ इसमें भी लीवर पाया जाता है क्या सर इसमें भी लीवर पाया जाता है आप इसमें वो भरी रहती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें लीवर में नहीं अभी सर बोल रहे थे कि ब्लू ब्लू वाले में कुछ कुछ रहे हाँ तो वो अमाशय में जो कीड़े मकोड़े उसने खा रखे होंगे वो सब होंगे ठीक है कि वो सब होंगे मतलब ऐसे से परीक्षण किया जाता है ना हाँ ऐसे परीक्षण प्रैक्टिकल करके वो दिखा अब जैसे मान लो आप किसी का ट्रीटमेंट करोगे कैसे करता है सांस ले रहा तो वही से उपाय ट्रीटमेंट करोगे तो ऐसे जीभ भी तड़पते हैं जैसे मान लो ऑपरेशन किया जाता है ना ऐसे जीभ तड़पते हैं जब डॉक्टर लगते हैं कब करवाते हैं ना क्या जब डॉक्टर लगते तो हाँ उनको तो सर सुन कि वो सुन होने की वो इंजेक्शन लगाते हैं ना हाँ। इनको भी लगा सकते हैं भी ऐसे करेंगे इनको भी लगा सकते हैं इन पे ऐसे करेंगे इनको भी लगा सकते हैं ठीक है नहीं ऐसा नहीं है इंजेक्शन सकते हैं ये पर क्या है पिन लगाओ अब मर गया ना सर अभी कहाँ उसका तो हार्ट ही नहीं निकला अभी जब तक वो नहीं मरेगा जब तक उसका हार्ट जीवित रहेगा वो उसका ठीक है दिखाओ पिन मतलब जब तक ये इसकी पूरी संरचना अभी हम देखते हैं इसके देखोगे अब देखो इसके आंतरिक अंगों के बारे में देखो किसके बारे में ये इसकी ये देखो ये आहार नाल कहलाएगी क्या कहलाएगी आहार नाल ठीक है ये इतनी पतली ये क्या कहलाएगी बैठ जाओ ये आहार नाल होगी यहाँ पर ये इसकी वायु कोपिकाएं होंगी क्या होंगी ये पूरी वायु कोपिका इतनी बड़ी ये क्या होती है वायु कोपिका जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना फेफड़े ऐसे ये वायु को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं ठीक है क्या करते हैं वायु को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं ठीक और इसमें आंतरिक ये परत झिल्ली एक पतली परत पाई जाती है ये सब प्रोटीन की बनी हुई है क्या की बनी होगी प्रोटीन की ठीक है ये सब कोपिकाएं कहेंगे ये भी कोपिकाएं ये इसका यहाँ पर ये छोटा सा ये रेड कलर का है ना ये इसका लीवर का है ये तो इसका हार्ट हो गया ये नलिकाएं हैं अमाशय ठीक है और वो जो ब्लू ब्लू जैसे छोटे से क्या थे लीजार्ड ठीक है ये अमाशय सर अमाश रुक जाओ बता रहे हैं अभी नहीं पता नहीं नहीं अभी जब तक इसका हार्ट नहीं कटेगा तब तक ये जीवित रहेगा ठीक है ये आपकी ये वाली ये हिस्सा जो कहलाएगा ये बड़ी आंत कहलाएगा जो व्हाइट व्हाइट
मैं सोच रही थी रात को ये मर गया होगा, नहीं देखिए इसमें अभी तक तो जरूर ये जब तक इसका ये यहाँ पर अवस्कर नलिकाएं होती ये यहाँ पर ये है ना अवस्कर की नलिकाएं मतलब यहीं पर इसका जनन अंग और उत्सर्जन अंग दोनों भी जुड़े होंगे ठीक है ये यहाँ पे अवस्कर नलिका पाई जाएगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है ठीक है चयनात्मक झिल्ली जो कि जिसका जितना रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ को क्या कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती बाकी छोड़ देती ये यहाँ पर ये गर्तनुमा संरचना जो है ये अवस्कर करना है ये इसका पूरा ये इसकी पूरी हड्डियाँ देखो ठीक है ये हड्डी ये हड्डियाँ है ना देखिए ऐसे मानवों में जब इसका डिसेक्शन किया जाता है ना मतलब ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसे सब निकाले जाते हैं अंग प्रत्यंग में पोस्टमार्टम जब किया जाता है नहीं नहीं अभी देखो उसका हार्ट झड़प रहा है ठीक है ये अमाशय कहलाएगा ये आहार नाल कहलाएगी पूरी इतनी लंबी ठीक है ये ऐसे हमारी भी 5-7 meters की होती है ठीक है मुड़ी होती है हाँ वहीं मुड़ी होती है ये लास्ट में ये बड़ी आँख के रूप में और ये आपका यहाँ पर ये छोटी आँख होगी ठीक है ये पूरी आहार नाल होगी जो मुख गुहा से जुड़ी होगी पैटेड इसको पानी दो इसमें ऐसे मानव का भी ऐसे पूरा लीवर कैची दो हार्ट धड़क रहा हार्ट निकल ये लीवर है जैसे हम लोग की संरचना होता है तो उसी तरह होती है इसकी संरचना ये क्या कहना है उसका लीवर ये इसका हार्ट ये धड़क रहा है ना जो अभी ये इसका हार्ट ठीक है इसको कैसे निकालेंगे ये पूरी आहार नाल है ये अमाशय उसका कहला जाएगा ना लास्ट पार्ट बड़ी आँख के अंतर्गत ठीक है ये आपका पूरी आहार नाल अधिक हो ये दोनों तरफ क्या होते हैं जैसे हमारे फेफड़े होते हैं ना वायु नाल पाए जाते हैं तो ये आपकी वायु कोपिकाएँ कहलाती हैं ठीक है जिनमें हजारों करोड़ों तादाद में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं क्या होते हैं चैम्बर होते हैं और देखो इसमें अभी भी ये मरा हुआ नहीं अभी जिंदा है जब तक इसका हार्ट धड़क रहा है मतलब ये जिंदा है ठीक है तो देखो इसमें लाइट नहीं आ रही ये वाला पंखा चलो देखो अब ये कोपिकाएं निकाल लेते हैं इसकी है ना ये कोपिकाएं सर ये क्या है बाहरी अंग होते हैं कोपिकाएं नहीं है ये ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल और अलग अलग अंग
बना देंगे। सर ये क्या? हाँ सब का अलग अलग काम है, दोनों साइड है ना, जैसे हम लोग ये कूपी का नहीं, अभी ये कूपिकाएँ क्या हैं? कूपिकाएँ, ठीक है, अभी वो जिंदा है, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी? सर इसका कलर चेंज क्यों हो गया? मर गया ना, ब्लीडिंग होना सफ़ेद हो गया, जैसे मर गया ना तो व्यक्ति मर जाता है तो ब्लीडिंग प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती। सर अभी वो तो अभी तो ये था, ये वाला तो था, ये वाला इस साइड का वो हो गया, ठीक है, वाइट हो गया, खून नहीं। बड़ी सावधानी बारीकी से उसको करना पड़ता है, ठीक है, क्या नहीं ये ठीक। अब ये इसका अभी भी देखो ये जिंदा है, मतलब अब जैसे ठीक है ये धड़क रहा है ना उसका, मतलब अभी भी ये जिंदा है। अब देखो ये इसकी पूरी आहार नाल, ये आहार नाल किससे आके जुड़ी हुई है? उसके मुख गुहा से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? मुख गुहा से, ठीक है। मान लीजिए इसको दोबारा जोड़ दिया जाए इसमें से, हाँ जब तक इसकी हार्ट धड़कता रहेगा। अब इसकी पूरी वो निकालते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या निकालते हैं? नर्वस सिस्टम, इसका ब्रेन, ठीक, हार्ट कैसे, आपकी कैपलरीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये जो छोटी छोटी पतली रेखा है ना, ये नर्व तंत्र कहलाता है, ये पतली पतली रेखा है, ठीक है, तो मेडुलरीज रे और आपकी नर्व तंत्र पूरा, ये छोटी छोटी ये रेखा है, ये पूरी ब्रेन से जाके जुड़ी है। किससे जाके जुड़ी है? ब्रेन से जाके जुड़ी है, ठीक है। अभी देखो अभी ये जिंदा है, मरा नहीं, ठीक है, जब तक इसका हार्ट चल रहा है तो मतलब ये जीवित है, क्या है? क्या चलाओ ना सिखर, लाइट है सर, चला के आए, हाँ ठीक है। ये नीचे की रेखा होती है, रीढ़ की हड्डी दिख रही है, हाँ वो रीढ़ की हड्डी, क्या है? रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जैसे हम लोग कम होते हैं। सूखे नहीं है ना, उसकी त्वचा नम बनी रहे, है ना, उसकी त्वचा नम बनी रहे, ठीक है। ये इसका ब्रेन, ये वो जीभ है उसकी, जो उसकी जीभ भी बड़ी सी, ये पूरी लंबी होती है, मुख गुहिका है, क्या है ये? उसकी पूरी आहार नाल और ये मुख गुहिका से जुड़ी हुई है, क्या ये पूरा उसका मुख गुहिका है, वो जीभ मैंने उठाई है, जीभ वाइट रहती है, क्या जीभ है? ये वायु कोश कहलाता है, ये बड़ा सा हिस्सा है ना, वायु कोश, ठीक है, कि वायु कोश क्या है? पूरी आहार, ठीक है, आहार अमाशय से, ठीक है, और ये उसका हार्ट, देखो मतलब शरीर से अलग करने के बाद भी धड़क रहा है, ठीक है, तो मर गया ना मेढक, हाँ वो मेढक मर गया, ठीक है, लेकिन अभी भी इनकी कोशिकाएं 24 घंटे तक जीवित रहेंगी, क्या रहेंगी? जीवित रहेंगी, ठीक है। तो उसमें
ऐसे इसी प्रकार से इनके अंगों का क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट। जैसे कोई अब जैसे मान लो इसका एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो इसका हार्ट अभी भी धड़क रहा है, जिंदा है ना, तो इसको निकाल करके हम किसी भी जीव में क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी भी धड़केगा वो। पानी डालना, पानी क्यों डालना, मतलब उसकी नमी बनी रहे। ठीक है, ये उसको अब देखो, इसके इसकी जीभ देखते हैं, ये इसकी जीभ, ये कैसे इतनी लंबी, ये काफी लंबी इसकी जीभ होती है। ठीक है, जिंदा जिंदा है, हाँ वो अभी भी। और इसके दांत देखोगे, क्या देखोगे, ये इसकी काफी लंबी जीभ है, ये येलो येलो दिख रही है ना, इसकी जीभ, उसकी येलो येलो जीभ क्यों है, तुम्हारी कैसी होती है, रेड रेड पिंक रेड। ठीक है, दिखो थोड़ी, ये इसकी जीभ, ठीक है, जो काफी फ्लेक्सिबल और चिपचिपी और लंबी होती है। ठीक जी, ठीक है, और ये उसके जबड़े हैं जिसमें आपके कैसे होते हैं, समदंती दांत होते हैं। दांत तो नहीं दिख रहा, दिखा रहे, ये उसकी जीभ बहुत चिपचिपी होती है। ठीक है, ये लय की बनी होती है जीभ, जीभ सी जीभ की बनी होती है क्या जीभ। ठीक सर, तो प्रोटीन है और क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, जीभ भी प्रोटीन की होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है हम लोगों की होल बॉडी, हमारी होल बॉडी कहाँ की बनी होती है, आपके अमीनो प्रोटीन, पूरी बॉडी आप प्रोटीन की बनी है, तो उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब लगभग लगभग प्रोटीन के ही बने होंगे। ठीक है, अब देखो इसकी और देखते हैं, नहीं सब रहती है, चूँकि निकाल दिए हैं उसमें, ठीक है, फिर भी ऊपर फड़ गया। देखो अलग अलग ये पूरी स्मेल ही आ रही है, क्या ज़्यादा नहीं, कम ही होता है। ठीक है, ये पूरा इनका शारीरिक अंग देखते हैं अभी, ठीक है, पूरा इसका अंगकान निकाल देते हैं, ब्लेड दो, ये फैल गया, मर गया सर, मर गया ना, दांत कहाँ है, लगभग इसकी बहुत सारी कोशिकाएं अभी भी जीवित हैं। ठीक है, क्या रहेंगी, बहुत सारी कोशिकाएं जीवित रहेंगी। ये इसका कंकाल, ठीक है, सुखा लेते हैं, है ना, ये मसल्स, ये जंपिंग मसल्स होते हैं, होते हैं जंपिंग, मतलब जो कूदने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, ये
ये मतलब जैसे जीव जंतु की चमड़ी निकाली जाती है ना, तो ऐसी ये बाहरी परत निकाली जाती है, इसी का यूज़ का हम करते हैं विभिन्न प्रकार के, अर्थात आपके पहनने ओढ़ने के जैसे जूते जूते हाँ ये चमड़ी काफ़ी मजबूत होती है, अलग अलग जीवों की देखो इसमें हाँ मतलब पूरा कपड़े जैसे ये पूरी उसकी निकल जाए है ना, ये सर इतना बदबू क्यों दे रहा है, तो उसमें ब्लड है, बहुत सारा ब्लड है ना, अब उसमें जीवाणु क्या हो रहा है बहुत तीव्रता से, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी भी है, जीवाणु तो मर ही आ रहे हैं सर, बहुत सारी गर्मी पूरी ना, तो इस पे देखो ऐसे लग रहा है देखो ये इसकी पूरी त्वचा आपको ये सब कौन सिखाया है, ये पूरी इसकी त्वचा निकल गई ना, ऐसे हमारी भी चमड़ी निकल गई, ठीक है ये आँख बनी भी है ना, हाँ पूरी संरचना कहाँ बनी, बनी तो है आँख दिख रही है उसमें, देखो ना संरचना में ये उसकी, अब देखो इसमें जैसे नेत्र है, ठीक है यहाँ पे देखिए और बैठो आगे आंखें देखते हैं आंखें, ये इसका ये पूरी कहती कपाल कपाल कहलाती, क्या कहलाती है कपाल, अब देखो इसकी आंखें आप यहाँ से इसकी आंखें निकाल सकते हैं, उसके दांत तो नहीं थे, दांत है ना मतलब ये संबंधी दांत है, और यहाँ पर ये नासा छिद्र भी होते हैं, क्या होते हैं नासा छिद्र, जिससे वो सांस लेते हैं, देखो इसकी आंखें निकालते हैं एकदम कंचू जैसे क्या होता है ये चिपचिपा द्रव भरा होता है, ये नेत्र गोलक है, एल्बुमिन का बना हुआ जैसे नेत्र होता है ना, हम लोग भी ये पार्ट मतलब ये बहुत ही दूर चीज पारदर्शी ऐसे मुझे भी दे दो, और ये इसके छोटे छोटे आभासी कान होते हैं, सर ये वरना पड़ेगा आराम से निकाल दीजिए, ठीक है ये छोटे छोटे
ये छोटे छोटे जो पहले क्या थे, पहले के पौधों में नेत्र के रूप में विकसित थे, किसके रूप में विकसित थे, नेत्र के रूप, नेत्र के रूप में विकसित थे। इसका यूज होने के कारण क्या हो गया, वो अवशोषित उड़ जाएगा, क्या करेंगे, अवशोषित हो गया, उसमें रख दे बताएंगे। ये उसकी आँख देखो, ये उसकी पूरी त्वचा, ये देखो बहुत पारदर्शी होती है, जो कि कहे कि आपने प्रोटीन की बनी होगी, क्या की बनी होगी, इनमें देखो नस नुमा संरचना, ये धारियाँ संरचना है, ऐसे ये हाँ क्या आर्टरीज, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए इनमें ये क्या पाई जाती है, वेनस और आर्टरीज पाई जाती है, है ना, कि वेनस और आर्टरीज पाई जाती है। अब देखो ये ऐसे है, जैसे हमारे हाथों में हड्डियाँ पाई जाती हैं, फर्मूला पाई जाती है, आगे अलाहना पाई जाती है, ठीक है, मसल्स बोन्स प्रेजेंट होती है, ये सब हाँ रख सकते हो ना। अब इसकी अगर देखो बोन्स देखो, ये इसकी मसल, ये जंपिंग मसल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कुछ कुछ चुका है, ये मांस है, त्वचा है, ठीक है, ये त्वचा मसल्स कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये इसकी बोन्स। तो ऐसे जब किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे ये अलग अलग, ये है ना, ये ऐसे निकाल करके दो हड्डियाँ हाँ जा सकते, ये इसकी रीढ़ की हड्डी देखो खंडों में डिवाइड होगी, क्या होगी, खंडों में, ठीक है, देख सकते हो इसमें, ठीक है, इसमें भी ये क्या पाया जाएगा, फेफड़े, जैसे हमारी पसलियाँ पाई जाती है ना, तो ऐसे इनमें भी पसलियाँ पाई जाती हैं, ये क्या होंगी, पसलियाँ यहाँ पे होंगी, है ना, ये पसलियाँ, ये पूरी नसें सर, नसें, अब इसमें ये आर्ट सर, इसकी धुंधली सी रंग क्या हार्ट में हार्ट ना उसमें, वो हार्ट से अटैच रहेगी, चूँकि हमको अगर और इसका अध्ययन करना है तो माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको हम देख सकते हैं। हाँ वो हार्ट क्या हो गया, मर गया, ठीक है जी, मर गया, ठीक, हो गया, ऐसे वो पूरे जाल नुमा संरचना क्या होती रहती है, फैली रहती है, ये पूरा एक कपाल इसका देखो ये, ठीक है, इसका हम कंकाल मान लो तुम लोग को और अच्छे से सुखवा के दिखा देंगे, है ना,